औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम, बिस्मिल्लाहि रहमान रहीम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चेक करें कि आपका जो मोबाइल है वो OTG सपोर्टेड है कि नहीं है। दोस्तों OTG के ज़रिए आप अपने मोबाइल के साथ USB कनेक्ट कर सकते हैं, माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चेक करने के लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर जाके आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है USB OTG चेकर। बहुत ही कम MB की ये एप्लीकेशन है, आपको आसानी के साथ प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो आपने ये डाउनलोड कर लेनी है, एक मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों इस USB OTG चेकर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो OTG को सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर सपोर्ट करता है उसके बाद ही आप OTG मार्केट से परचेज कीजिए, ये आपको 30 से 50 रुपये के दरमियान मिल जाएगी। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसे ओपन करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा आपका मोबाइल OTG सपोर्टेड है कि नहीं। दोस्तों मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया है, यहाँ पर लिखा आ रहा है एंड्रॉयड नॉट कम्प्लीट USB OTG, यानी जो मेरा मोबाइल है ये E1 है, ये OTG सपोर्टेड नहीं है। अगर आप नीचे डिटेल पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको जो है कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके मोबाइल के मुतलक। ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये देखें USB मैनेज, USB लॉस्ट है और USB डिवाइस लिस्ट, और इसके बाद हाउ टू सोल्व USB होस्ट इश्यूज़। तो यहाँ पर डिवाइस की मुतलक मेरी इन्फॉर्म आ गई है, मॉडल मेरा Q1 है, Q मोबाइल E1 और प्रोडक्ट ID भी Q मोबाइल E1 है, ब्रांड Q मोबाइल है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये Q मोबाइल E1 जो सेट है वो OTG सपोर्टेड नहीं है। आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं Q मोबाइल की कि E1 जो सेट है वो OTG सपोर्टिंग नहीं है। आप सिंपल इस एप्लीकेशन के ज़रिए चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद हाँ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे ज़रिए मिल सके।